जब बरसे ना जाने दिल ये क्यों तरसे, दुनिया में प्यार जब बरसे ना जाने दिल ये क्यों तरसे, दुनिया में प्यार जब बरसे ना जाने दिल ये क्यों तरसे। अंदर आइए, ये कोई क्लास में आने का टाइम है? कितना लेट आए हो, जाइए वापस जाइए और चप्पल में आ जाओ कॉलेज में, जाइए प्लीज गेट आउट। क्या यार, फिर से क्लास से बाहर निकाल दिया, फिर से अटेंडेंस नहीं मिली। साला रविवार का वही लोचा है यार। लोचा यार रखना ही नहीं चाहिए 75 अटेंडेंस का यार, अटेंडेंस पूरी करना यार। कभी कभी तो मन करता है साला सुसाइड कर ले यार भाई, पूरी जिंदगी यार ये अटेंडेंस पूरी करने में निकल गई। इसको देख यार, साले चप्पल क्यों पहन के आया यार? भाई मैं क्या करूं यार, मैं सुबह जल्दी, इसकी वजह से सबको बाहर निकलना पड़ा यार, दिमाग खराब कर दिया उसने, बाहर निकाल दिया। 75 चप्पलें आ सकती है, अटेंडेंस नहीं होगी पूरी यार। Thank you.
भाई भाई यार, भाई यार मेरे में बहुत अजीब सा हो रहा है, पता नहीं कोई सामने पड़ रहा है यार, भाई लाइट ऐसे जब जब करी, पीछे से कोई चल रहा है भाई, भाई भाई भूत है यार, भाई भाई चल रहा है भाई, भाई तुम यार भाई भाई यार भाई भाई छोड़ना यार, तेरे को भूत की पड़ी यार, एक लड़की ऊपर सामने आ गई तुम जो बहुत अच्छी लगती थी यार, तो फिर क्या हुआ, उसके बाप ने भेज भेज दी यार भाई सच में यार मजाक नहीं कर रहा यार, हटना यार भाई, चल खड़ी यार जुड़ी यार, अरे यार सच में देख यार, ठीक है भूत से कम साले भाई यार सच में देख यार, ठीक 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 है यार, कौन सा भूत देख देख करके देख कौन सा भूत आ गया, डरो मत तुम, ऐसे कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है, मैं बताता हूँ तुम, कुछ नहीं रे पागलो, अपने एक बॉस थे 20 साल पहले, है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, तो ये थी लॉन्डो रूम नंबर 006 की कहानी, शायद वो बॉस की आत्मा को भी शांति नहीं मिली और इसलिए भटक रही है उनकी आत्मा, और तुमसे शायद कुछ कहना चाहते हो इसलिए तुम्हें बार बार दिखाई दे रहे हैं। यार दोस्तों अब हो जाए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार, ऐसे कब तक डरते रहेंगे ना, उसने स्टोरी सुनाई पक्का भाई है कुछ ना कुछ, तभी तो अपन को दिखाई दे रहा है, अपन एक काम करते हैं, कल उसी टाइम जिस टाइम मैं पढ़ रहा था रूम नंबर 006 में चलते हैं, क्या बोलता है भाई, हिम्मत करके चलते हैं।
तलाश दी मुझे। तुम ही हो जो मैं अब काम कर सकते हो। मैं तुम्हें मृत्यु की ओर नहीं, मृत्यु से दूर ले जाने आया हूं। मैंने अपने आप को समय से पहले खत्म कर बहुत कुछ खोया है। यारी, दोस्ती, घर, परिवार, वाह, आज वो सब मैं चाहकर भी वापस नहीं ला सकता। मेरे बिना मेरे घर वाले को ऐसे रोते देख उन आंसुओं के साथ मेरा दिल भी बह जाता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन लोगों में लड़ने की हिम्मत होती है वो मैदान छोड़ के कभी नहीं भागते। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, पर इस सत्य को भौतिक रूप से समय से पहले जानना बिल्कुल गलत है। मैं पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि संघर्ष वह बिंदु है जहां से सफलता की यात्रा शुरू होती है। आज तुम सबको अपनी गर्लफ्रेंड से जब बातें करता देखता हूँ, तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशंस देखता हूँ, तुम्हारी पार्टीज देखता हूँ, तब लगता है जीवन के कितने ऐसे हसीन पल मैंने समय से पहले ही खो दिए। जीवन की डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। और जो उस ऊपर वाले को चुनौती देता है वो उसकी दी हुई सारी चीजें खो देता है। इसलिए मैं इस दुनिया के सारे विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि योद्धा बनो, कायर मत बनो। और मेरी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम मेरा ये संदेश इस दुनिया के हर विद्यार्थी तक पहुंचा दोगे। तभी मुक्ति मिलेगी, तभी मुक्ति मिलेगी। लगभग 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या की वजह से मरते हैं और इनमें से लगभग 60% लोग 15 से 29 वर्ष की आयु के होते हैं। आत्महत्या एक व्यक्ति विशेष को ही नहीं पूरे समाज को प्रभावित करती है, अतः इसके लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को सजग होने की जरूरत है। माँ बाप को बच्चों के साथ, टीचर्स को स्टूडेंट के साथ, अमीर को गरीब के साथ, मतलब हर वर्ग के लोगों को आपसी समन्वय व सहयोग की जरूरत और यही इसका हल है। और हाँ, सचेत रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।